अस्सलाम वालेकुम, आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, शहर कायद में बारिश आ पहुंची है। मौसम तो इंतहाई खुशगवार हो गया है, लेकिन जिस तरह शिकायत मौसूल हो रही है, शहर का निजाम दरहम भरहम पड़ा हुआ है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का मौकिफ भी आपको सुनाएंगे, उनसे भी राब्ता करेंगे कि बारिश के आने वाले जो स्पेल है मजीद, ये कितने रोज तक जारी रहेंगे और कितने स्पेल मजीद कराची का रुख करेंगे, कितनी मिलीमीटर बारिश कराची में इस बार होगी। पिछले साल की सूरत हाल से अवाम शदीद खौफ हिरास की फिजा में मुब्तला है। बारिशों ने जो कराची का हाल किया था वो महीनों तक अवाम भुला नहीं पाई थी। इस बार भी अवाम में खौफ है कि आया कि अगर बारिशें हो गई मूसलाधार तो शहर में जो बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस सूरत हाल, तो इस बार भी शहर के मुख्तलिफ मकामात माजी की तरह कहीं डूब ना जाए। वसीम अख्तर, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मौकिफ रखते हैं सियासी जमात के नुमाइंदगान और बल्दियाती इदारों के साथ साथ अवामी मौकिफ, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या है? आइए चलते हैं अवाम की जानिब, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर कायद में मॉनसून की एंट्री, बादल वक्त से पहले ही बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई को सिस्टम कराची पहुंचने की पेशगोई की थी, लेकिन बादलों का सिस्टम रात में ही गुजरात से सिंचल आया। मॉनसून सिस्टम ने अपना काम दिखाना तो शुरू कर दिया, लेकिन कराची इस सिस्टम को सहने को तैयार नहीं था। जगह जगह टूटी सड़कें, खुदे हुए रोड, वही हुआ जिसका डर था। पानी फिर जमा हो गया, निकासी आप का इंतजाम भी तसल्ली बख्श नजर ना आया। सड़कों में कहीं बसें धसी तो कहीं पानी में गाड़ियां ही फंस गईं। मुश्किलात में घिरे शहरी दुहाइयां देते नजर आए। दफ्तरों में बैठकर सफाई नहीं हो सकती, उसके लिए इसी कमरे छोड़ने पड़ेंगे, और जब तक अफसराने वाला खुद नहीं होंगे आवाम को इसी तरह डूबते रहेंगे। सारी गटर की लाइनें भरी हुई है, सीवेज का मसला गड़बड़ है। काफी तोड़ फोड़ भी किए इन लोगों ने यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई सफाई का मेयार नजर नहीं आया। ये तो है आज की सूरत हाल। अब खदशा ये उठता है कि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो शहर का होगा क्या, क्योंकि गुज़िश्ता बारिशों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ना अहल इंतजामिया शायद अब भी आंख नीचे सोई हुई है। नालों का हाल ही देख लीजिए, जिनकी सफाई का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। घर गिराने का काम तो फौरी किया गया, लेकिन नालों में कचरा जू का तू है। गुजर नाला कचरे से भरा पड़ा है, फिर खतरा मंडला रहा है, कहीं नालों की तरफ मकीन माजी की तरह पानी में बहते नजर ना आए। बज़ाहिर तो इदारे अलर्ट हैं, लेकिन अवाम को पूरी उम्मीद है कि बारिश होगी तो पानी आएगा, बल्कि भरपूर आएगा। मरम्मती काम अपनी जगह, बिजली का निजाम भी किसी से पोशीदा नहीं। गुज़िश्ता बरसात में बिजली का निजाम भी बैठ गया था, कमोबेश 4 रोज तक शहर के बेशतर हिस्सों में बिजली नहीं थी। बिजली के तारों ने कई घराने भी जाड़ दिए, आज भी उन माओं के जख्म ताजा हैं। इस बार भी बारिश के पहले ही रोज करंट लगने का एक वाकया सामने आ चुका है, कहीं खुदा न खास्ता ये बिजली के तार मजीद कोई और घर भी न उजाड़ दें। लिहाजा अमली इकदाम करना होगा, इंतजामिया को निकासी आपका इंतजाम और नालों की सफाई का काम फौरी मुकम्मल करना होगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले के अतराफ में। गुज्जर नाले के अतराफ में जो हार्ड इंक्रूचमेंट थी वो तो तमाम तोड़ दी गई है, लेकिन साथ जो नाले में मौजूद कचरा था वो उठा के साइट में ही ठिकाने लगाया गया है। यहाँ से उठा के कचरे को मुंतकिल नहीं किया गया। बारिश के बायस इलाके मकीन शिकायत करते हैं कि ये जो कचरा साइट पे लगा दिया गया है हैवी मशीनरी की मदद से, ये कचरा वापस धीरे धीरे फैलता हुआ इन्हीं नदी नालों की नजर हो रहा है, जो कि दोबारा से लाइनें चौक करेगा, और जब नदी नाले चौक होंगे तो शहर में पानी हर जगह नजर आएगा। इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ से फौरी तौर पे कचरा जो साफ किया गया है नालों की सफाई करके, वो कचरा उठाया जाए ताकि जो ताफून उठ रहा है, बदबू फैल रही है, तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, उससे भी निजात मिल सके। ये सूरत हाल थी
इस गुज्जर नाले की। आइए अब चलते हैं महमूदाबाद नाले, वहां पे सफाई का कितना काम हुआ है नालों की और वहां से भी आया कचरा उठाया गया है या नहीं उठाया गया, देख लेते हैं। नाजिन इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद नाले के अतराफ में। महमूदाबाद नाले की क्या पोजीशन है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये महमूदाबाद नाला है, इसमें 2 महीना कबल जो है वो हार्ड इंक्रोचमेंट हटाई गई थी अतराफ से। तकरीबन 10 किलोमीटर से जायद का जो अतराफ के रास्ता था वहां से हार्ड इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव की गई थी। उसके बाद जो है सफाई सुथराई का काम शुरू किया गया था। 2 महीने का वक्त दिया गया था कि तमाम काम को मुकम्मल करना है, नाले को जो है वो मजबूत करके साइड में इसकी दीवार को तामीर करना है। जो खस्ता हाल पुरानी दीवारें थी वो टूट फूट का शिकार थी, तो उसके बाद दोबारा तामीर होनी थी ये दीवारें, लेकिन ये काम भी जो है वो वक्त पर इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल नहीं किया गया। इस तरह ये सूरत हाल है महमूदाबाद नाले की। अगर ये कचरा दोबारा से नहीं उठाया जाता, ये झाड़ियां साफ नहीं की जाती, तो ये दोबारा से नाला जो है वो चौक होना शुरू हो जाएगा और फिर नतीजा यही होगा जब नाले की लाइनें चौक होंगी तो वो पानी जब अंदर नहीं जा पाएगा तो वो सड़कों की जानिब आएगा और सड़कों से होता हुआ वो गली मोहल्ले चौराहों और घरों के अंदर दाखिल होगा। नाजिन यहां वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। नाजीन आइए अब चलते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब और आइंदा दिनों में मजीद बारिश की क्या सूरत हाल रहेगी ये भी जान लेते हैं। ये कराची के नीचे जनूब में और जनूब मशरक में जो बहिरा अरब, मशरकी बहिरा अरब है, उसके ऊपर इंडियन गुजरात के साथ एक लो प्रेशर एरिया बना है और उसके नतीजे में मॉइस्चर ऊपर आ रहा है और जो मानसून हवाएं हैं वो दाखिल हो रही हैं इस वक्त लोअर सिंध के बेशतर डिस्ट्रिक्ट में। तो गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है थरपारकर, बदीन, ठठा वगैरह साइड, मीरपुर खास, उमरकोट, उन एरियाज में रात में बारिश हो गई थी और कराची में आज सुबह शुरू हुई है। जो तो ये सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि वो जो मैं बता रहा हूँ आपको सर्कुलेशन पर नहीं है, लो प्रेशर एरिया है, उसको आगे निकलने में इतने 3-4 दिन लगेंगे। तो ये फ्राइडे तक ये जाएगा सिलसिला 12 जुलाई से, यानी सिंध के लिए या कराची के लिए ये पहला स्पेल है। तो ये स्पेल 16 तक चलेगा और फिर 20 या 21 के बाद, 20 से लग रहा है या 19 की रात से एक दूसरा स्पेल आएगा जो 23-24 तक जा सकता है। तो 2 या 3, मैक्सिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पेल हैं, लेकिन ये लंबा स्पेल है, यानी 12 से लेके 16 तारीख या 17 तारीख तक ये एक्सटेंड करेगा। अभी तो ये सिलसिला चलेगा 16 तारीख की रात तक या 17 की सुबह तक चलता रहेगा, वक्फे वक्फे से, कभी हल्की कभी दरमियानी और कभी एट टाइम्स हैवी शावर्स भी होंगे, जैसे कि आज सुबह किसी किसी एरिया में कराची की हैवी बारिश हुई है। तो ईद के दिनों में भी, यानी 20 और 21 के खासकर जो 2 दिन होंगे और फिर उसके 22, हाँ ईद के दिनों में भी बारिश का इम्कान है, लेकिन ये देखना है क्योंकि जितना उसमें लीड टाइम ज़्यादा होता है फिर उसमें ज़रा सा वॉच करना पड़ता है कि वो कैसा स्पेल होगा। तो ईद के दिनों के करीब जाके पता चलेगा, यानी 16-17 के बाद ये स्पेल 17 को ख़त्म होगा, 18-19 को उसमें गैप आ जाएगा, तो फिर उस वक्त वाजे होगा कि अगला स्पेल कितना हैवी होगा या कितना मॉडरेट होगा। 11 बजे तक की रीडिंग जो थी उसके मुताबिक गुलशन अदीब में सबसे ज़्यादा 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी और बाकी फैसल बेस पे 21 मिलीमीटर और इसी तरह से हमारी ऑब्जर्वेटरी ओल्ड एयरपोर्ट पे है वहाँ पर 7 मिलीमीटर और यहाँ गुलिस्तान जोर में 8 मिलीमीटर। तो इस तरह से मुख्तलिफ रीडिंग्स थी, लेकिन जो ज़्यादा है वो गुलशन अदीब से ही आई है और कायदाबाद पर भी 12 मिलीमीटर। ओवरऑल पूरे सीज़न के लिए जो आउटलुक जारी की गई थी 11 जून को हमने इशू की थी, तो उसमें यही कहा गया था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं इस दफ़ा भी सिंध पूरे में, ख़ासकर लोअर सिंध में बशमूल कराची। तो देखें ये तो सितंबर के आखिर में जाके पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा हुई है मामूल से। ईस्टर्न सिंध में यानी थरपारकर हैदराबाद तक, बदीन हैदराबाद और मीरपुर खास, उमरकोट वगैरह, इन सब एरियाज़ के लिए हमने कहा हुआ था चंद दिन पहले इस्लामाबाद ऑफिस ने जो एडवाइजरी इशू की थी, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लेके उन्होंने कहा था कि पीर से बुध तक इन डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो जाएगी, लेकिन कराची का उसमें जिक्र नहीं था। कराची का इस वजह से जिक्र नहीं था कि वो सिलसिला कराची में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 को पहुँचेगा, बंगाल वाला जो सिलसिला था ईस्टर्न सिंध से होता हुआ यहाँ पर। अब ये इधर कराची के बिल्कुल जनूब में अरेबियन सी में और गुजरात के एरिया में लो प्रेशर बना एक, जो कि इतना तो आपको नहीं थी कि ये इतना मॉइस्चर ऊपर इसकी वजह से आएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी टाइमिंग की गलती हुई है इसमें,
अदरवाइज ये एक्सपेक्ट हम 14 से कर रहे थे। अब 14 से जो 16 का स्पेल है और ये 12 का भी हो गया और ये 13 तक जाता हुआ दिखाई देता है, एक तरह से दोनों स्पेल हमारा जो कि ये प्रोलॉन्ग स्पेल हो जाएगा। इस स्पेल के बारे में हम ये फोर्सी कर रहे थे कि बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो लो प्रेशर एरिया बनने की सूरत में मानसून हवाओं का दाखिला होगा तो वो 14 जुलाई को ही होगा कराची में, लेकिन उसके साथ साथ अरेबियन सी में एक बन गया तो उसकी वजह से मॉइस्चर ऊपर आ गया। तो इस तरह बाज़ अवकात मतलब कंडीशन चेंज हो जाती हैं जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हैं, तो उसके नतीजे में फिर फोरकास्ट आपकी मतलब मुख्तलिफ हो जाती है। यहाँ पर जिस तरह जो आपकी जो हाई राइज बिल्डिंगें जो है वो बनती जा रही हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो वो जो सीवरेज का निज़ाम जो है वो वही निज़ाम जो है वो वहाँ पर मौजूद है ग्राउंड पे, और उसके साथ साथ आपकी हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये एक डेवलपर का काम ये भी है कि उस जहां पर वो बिल्डिंग बन रही है उसके अतराफ में जितना सीवरेज का निज़ाम है उसको 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 बेहतर करना है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर कोई निज़ाम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अपग्रेड करना चाहिए। अब यह है कि वहीं पर वो जो जहां 1000 गज का या 2000 गज का मकान बना हुआ था वहां पर आपने हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन दे दी, उसको आपने डिक्लेयर कर दिया कमर्शियल। अब वहां जो जो वो जो सामने जो उसके लाइनें लेट डाउन है जो पड़ी हुई है और सीवरेज की, उसको वो एक घर एक बंगला था, अब उसकी जगह 100 फ्लैट आ गए सामने, तो क्या होगा? फिर ये मुसीबत होगी। फिर आपके ये जो नालों के ऊपर जो है आपने देखा होगा इनक्रोचमेंट है, और ये भी डिफेंस के आसपास में भी है। डिफेंस का हाल जो हुआ था आपको पता है, जो पिछली बारिशें हुई थी डिफेंस तो डूब चुका था, और उसमें आपने लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के कमर्शियल एरियाज में जहाँ उनकी दुकानें हैं जहाँ उनकी उन्होंने अपने सामान रखा हुआ है, उनकी सुपर मार्केट्स हैं या फर्नीचर का शोरूम है, वो सारा का सारा उनका डूब गया, नुकसान हो गया, घर सारे तबाह हो गए, फर्नीचर सारा तबाह हो गया। फिर वो दोबारा बेचारे उन्होंने उसको रीबिल्ड किया, और बारिशें अभी आपके बिल्कुल आपके खड़ी हुई है सामने, आपके किसी वक्त भी आपका जो जो है वो मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, और अगर तेज बारिशें शुरू हो गई और जिस तरह कहा गया है कि अब कराची में बारिशें जो हैं वो ज्यादा होंगी और हर मानसून में ज्यादा होंगी। प्रिपरेशन क्या है आप देख लें, अभी ये तूफान का भी जो अभी हुआ था अल्लाह का शुक्र है नहीं आया, पूरी तरह नहीं आया, वो थोड़ा बहुत हमारे कराची को अफेक्ट किया था उसने, और उसमें उन्होंने नालों की सफाई हमने देख ली। अरे भाई आपको शुरू से पूरे साल आपको ये काम करना है, गवर्नमेंट को पूरा साल जो है ये नालों की सफाई, और ये तो ये सिर्फ डिफेंस की हम बात नहीं करें, पूरा कराची इफेक्ट होता है। डिफेंस जैसे मैंने पहले कहा घिरा हुआ है सारा, अब उसके आसपास जो दूसरी आबादी हैं अगर वो चौक होती हैं तो डिफेंस को इशू आता है। तो ये मेरे ख्याल में पानी के इशू के साथ साथ जो सिविक फैसिलिटीज हैं जिसमें सीवरेज का निज़ाम भी है, और ये जो है इसको भी आपको गार्बेज कलेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। हम आप लोगों ने मीडिया ने बहुत शोर मचाया इसके ऊपर, आप दिखाते रहते हैं, हर चैनल इसको दिखाता है और कि भाई कहाँ कहाँ जो है गार्बेज आपको नजर आता है। तो डिफेंस में भी यही हाल है। अभी हमने पिछले दिनों हमारी बहुत अच्छे जो अभी CO हमारे भट्टो साहब हैं इज अ वेरी गुड गाय, एंड उन्होंने इनिशिएटिव्स भी बड़े अच्छे लिए हैं, जैसा मैंने जो बारिशों के हवाले से उन्होंने अच्छा पंपिंग जो है सिस्टम बनाया है जहाँ पर वाटर ड्रेन करने के लिए उन्होंने सम पंप से लगाए हैं और पानी को ड्रेन करने के लिए, तो ये सारी चीजें उन्होंने डेफिनेटली एक अच्छा अच्छी एक्सरसाइज की है। और हमने जब उनसे कहा कि गार्बेज कलेक्शन का, तो उन्होंने कहा कि जनाब पुराना कॉन्ट्रैक्टर था जिसको हमें हटाना पड़ा इसलिए कि वो चोरी कर रहा था, अब जो है वो कह रहे हैं कि हम खुद इसको हमने टेक ओवर किया है और हम इस निज़ाम को बेहतर करेंगे। तो हमने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो इनिशिएटिव बिल्कुल, हमारे कुछ ऑफिसर्स आते हैं इनिशिएटिव लेते हैं और वो चीज़ें हमारी कुछ अच्छी होने लगती हैं, वो जब चले जाते हैं कोई दूसरा आता है, अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेगा तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, वही जहां पहले खड़े हुए थे वही खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ मल्टीपल इश्यूज हैं हमारे पूरे शहर में कराची में डिफेंस के हवाले से भी। नाजिंग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो तमाम जो मेन शाहराएं हैं वहां पर पानी मौजूद है, बारिश का पहला स्पेल जो हुआ उसने वो तमाम सूरत हाल वाजे कर दी जो इंतजामिया की कारकर्दगी थी। जगह जगह पानी इस वक्त भी मौजूद है, घर जाने वाले जो शहरी हैं वो शदीद अजियत और मुश्किलात का शिकार है। इंजीनियर्स ने जो सड़कें बनाई थी तामीर की थी वो तमाम कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जगह जगह पानी खड़ा उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए बैठा है।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजीन। नाजीन सूरत हाल ये है कि मेरे पीछे भी आप मनाजिर देख रहे होंगे कि सेवरेज की जो लाइन है वो फट गई है, पानी लेने को तैयार नहीं है। सालों से इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी मरम्मती काम इलाके में होता हुआ नजर नहीं आया। नॉर्थ नाजमात की सूरत हाल इतनी संगीन है कि गली मोहल्ले तो दूर की बात है, मेन जो अहम शाहराएं हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। जो खुदाई तरक्याती कामों के लिए की गई थी उसी का काम मुकम्मल नहीं किया गया, सोने पे सुहागा। बारिश हो गई तो शहरियों को नहीं पता, कार सवार मोटरसाइकिल सवारों को नहीं पता किधर गढ़ा है और किधर नहीं। हादसात का बेशुमार शहरी आज के रोज भी शिकार हुए हैं। आइए चलते हैं वसीम अख्तर की जानिब। चार साल के दौरान इस तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने अपनी क्या कारकर्दगी दिखाई और इस वक्त की सूरत हाल में वो क्या कहते हैं? ये एक बहुत बड़ा इशू था कराची का, बल्कि है अभी। जब मैं मेयर था तो उस जमाने में एक वाटर कमीशन का एक केस चल रहा था हानी मुस्लिम साहब का, उसमें मुझे भी बुलाया गया और हानी मुस्लिम साहब ने मुझसे पूछा कि नाले रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमसी की है, बिल्कुल है, बड़े नाले और छोटे नाले डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो ये कैसे साफ करेंगे, आप डेट दें हमें ये साफ करने की। तो मैंने उनको वहां मना कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, नाले तो बहुत दूर की बात है तो हम नहीं कर सकते साफ। तो फिर सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने इन्वॉल्व किया, चीफ सेक्रेटरी साहब आए, सब कुछ हुआ और उस पर काफी हेयरिंग्स हुई, हमने अपनी मजबूरियां बताई सारी। उसके बाद उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया कि कोई 50 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज किए जाए केएमसी को ताकि वो नाले साफ करें। वो पैसे हमें मिले और हमने जो एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया, सेपरा रूल्स के मुताबिक हमने अखबार में टेंडर्स के लिए इनवाइट किया लोगों को और हमने काम शुरू कर दिया। ये सारे नाले जितने बड़े नाले हैं, औरंगी नाला हो, महमूदाबाद हो, गुजर नाला हो, मैंने खड़े होके इस पैसे को यूटिलाइज करवाया है, रिकॉर्ड पे चीजें हैं सारी। हमने सारे नाले बड़े नाले क्लियर कर दिए थे, मगर कोर्ट में हानी मुस्लिम साहब के सामने भी मेरा जो स्टैंड था वो ये था कि ये सोल्यूशन नहीं है, वी शुड गो फॉर परमानेंट सोल्यूशंस, ये पैसे का ज़िया है। ये मेरे जो रिमार्क्स हैं वो रिकॉर्ड पे हैं वहां, एक दफा साफ कर देंगे उससे मसला हल नहीं होगा। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है इंक्रोचमेंट, उसके बाद जो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ये प्रॉपर है ही नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट के मातहत है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। उसके साथ साथ जो रिलेटेड चीजें हैं, एक माफिया है एक्सकवेंजर्स का जो कि कचरा चुनते हैं और वहीं डंप कर देते हैं ले जाके, फिर है वाटर बोर्ड से रिलेटेड इशू जो कि सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवेज। जब तक सीवरेज इन नालों में जाता रहेगा, जब तक कचरा इन नालों में जाता रहेगा, ये नाले साफ नहीं किए जा सकते। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, अंग्रेज ने ये ड्रेन्स पानी को समंदर में ले जाने के लिए बनाए थे, हमने उसको इंक्रोच कर दिया। अब एंटी इंक्रोचमेंट की बारी आई, हम सब ने देखा कि इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए। बदकिस्मती से जो मीटिंग्स में डिसीजन होते हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करती सिंध गवर्नमेंट, वादे वईद मेरे सामने भी बैठ के किए गए कि जिन जो इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के थे उस पर इंप्लीमेंट किया हमें, मैंने किया। केएमसी से जहां तक रिलेटेड चीजें थी वो हमने उनको कंपनसेट किया, मगर जहां गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मामला आता है आपको वहां आप एक्सेप्ट करते हो सारे टर्म्स बैठ के कि हम इनको कंपनसेट करेंगे नालों पे जो लोग हैं। आज कंपनसेशन तो हो रही है मगर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां लीज नहीं है तो उनको वो तोड़ा जा रहा है। अब वो गरीबों के घर हैं, वो बसने क्यों दिए, उनकी गलतियां नहीं है, डिपार्टमेंट्स की गलतियां होती हैं। ये इंक्रोचमेंट सिर्फ गरीब ने नहीं की हुई कराची में, करोड़ों अरबों पति लोगों ने और इदारों ने की हुई है कराची में। शारे फैसल पे लेफ्ट पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, हमने बचपन में देखा है वो ड्रेन, पानी गुजरते हुए देखा है। आज वहां सिविल एविएशन के पेट्रोल पंप्स बने हुए, आप शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं वहां, तो इसको कौन तोड़ेगा? गरीब का घर ऑर्डर कर देना बड़ा आसान है कि रिमूव कर दो, कर देने चाहिए, मगर उनको कंपनसेट करें। नहरे खयाम, नहरे खयाम मैंने क्लियर किया था,
इंक्रोचमेंट रिमूव की थी, बाग इब्ने कासिम की बिल्डिंग, नहरे ख्याम को हम बेहतर करना चाह रहे थे, जो कराची के आर्किटेक्ट्स हैं बड़े वो ऑन बोर्ड थे, उनको उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम इस नहरे ख्याम को बहुत खूबसूरत जगह बना देंगे इस कराची की, मगर सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनने दी। गरीब करंट से मरता है बारिश में और यह डूब के मरता है, गटर में बच्चे गिर जाते हैं। गटर किसके पास है 13 साल से? पीपुल्स पार्टी के पास, गवर्नमेंट के पास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास है? मैं घड़ी घड़ी रिपीट करूं ताकि आवाम को पता चले, दे आर रिस्पॉन्सिबल सिंस लास्ट 13 ईयर्स दे आर सिटिंग एंड रनिंग द शो, मगर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये बारिश आ जाए, कोई भी बारिश आ जाए, बारिश को भी छोड़ दें, नाले देखें तो जाके, आपका कैमरा ले जाए तो, कि नालों का हाल क्या है। मैंने साफ किए थे, आपको बता रहा हूं मैं, मैंने साफ करने के बाद 15 दिन बाद उन नालों पे गया था, वही हाल था उन नालों का, क्योंकि कचरा आता है वहां, सेवरेज सारा उसमें डाला जाता है। क्यों क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते? क्यों S3 कहां गया? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सीवेज का है ही नहीं इस शहर में, कोई सिस्टम नहीं है। ये तो बहुत अब तो बारिश आने वाली है, मैं तो 4 साल अपने टेन्योर में चीखता रहा हूं, 10 महीने मेरे बाद इनको हो गए हैं, क्या किया इन्होंने? इंफ्रास्ट्रक्चर नया चाहिए सीवेज का। और ये जो बड़े बड़े जगह हैं, मैं फिर कहूंगा कि मैं फेवर में नहीं हूं इंक्रोचमेंट के, मगर जो ये बड़े लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है, शारे फैसल इंक्रोच है पूरा, इसको क्यों नहीं रिमूव करते? क्या वजह है? जब तक आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं देखेंगे, चाहे कितनी भी बारिशें आ जाएं, यहां आप लोगों को बचा नहीं सकते। बारिशें जाहिर है फोरकास्ट ज्यादा बारिश की भी आती है, उसके जो रिलेटेड इफेक्ट्स हैं लाइक के इलेक्ट्रिक के जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उससे लोगों को नुकसान पहुंचता है, जानी नुकसान पहुंचता है, लोग मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इस बारिश पे भी मुझे नहीं लगता उस तरह से इन्होंने प्लान किया है। एनडीए में क्या कर रहा है, जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट का मामला है पीडीएमए, वो क्या कर रहा है, नजर नहीं आ रहा कुछ मुझे। नाले जो बड़े हैं वो चौक ही नजर आए हैं, और फिर मैं कहूंगा अगर आप हटा भी देंगे तो 3 दिन बाद कचरा वापस होगा वहां, कचरे का सलूशन ढूंढें। सिंध गवर्नमेंट को तो पूरे कराची और सिंध के जो भी इलाके हैं जहां पानी आता है, हैदराबाद का बुरा हाल हो जाता है, पूरे शहर को देखना होगा। चंद नालों को देखने से सलूशन नहीं निकल सकता। उसके बाद डिफेंस में लास्ट बारिश में लोगों के घरों में पानी था, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, बिजनेस का जो अंडरग्राउंड उनकी स्टोरेज थी वो सारी खराब हुई है। उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज डिफेंस में देखी थी कि नाले साफ हुए थे, मगर फिर वही बात है कि ये नाले जो है वो साफ, इन्होंने कवर तो किए हुए हैं, मगर ये भी यहां भी का भी वही है कि सोल्यूशन ये नहीं है। आपको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, इस गदर का सीवरेज कहां जा रहा है? उन नालों में ही जा रहा है। तो बारिश आएगी तो नाले, फिर कचरा कम से कम डिफेंस में नालों में नहीं जाता क्योंकि कवर्ड है, मगर सीवेज तो सारा वहीं जा रहा है, और रॉ सीवेज जो है वो समंदर में फेंका जा रहा है। चारों तरफ समंदर के, आपने देखा रेस्टोरेंट्स के परमिशनें दे दी हैं डीएचए ने, उनका सारा जो सीवेज है वो और कचरा सारा समंदर में जा रहा है। तो यहां भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको डीएचए को भी एड्रेस करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ नाले की सफाई का काम इस वक्त जारी है, देखा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से टीमें जो है वो हरकत में नजर आती हैं। अगर कैमरामैन आपको मनाजिर दिखाएं शकील बलूच, तो मशीनों के जरिए जो है वो नाले की सफाई सुथराई का काम इस वक्त किया जा रहा है। नाले के अंदर से कचरा उठा के साइट पे लगाया जा रहा है, लेकिन फिर वही बात कि साइट पे लगा हुआ जो कचरा है वो दोबारा से फैलना शुरू होता है और वो नाले की चारों तरफ जो है वो दोबारा से फैल जाता है। तो इंतजामिया यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी गफलत बरतती है कि कचरा फौरी तौर पर जो है वो उठा के ठिकाने नहीं लगाया जाता। ये कचरा जो नाले के अंदर से खुदा के जो है, ये कचरा जो नाले के अंदर से खोद के निकाला जा रहा है, उस कचरे को फौरी तौर पे ठिकाने लगाया जाए तो कचरे से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। नालों की सफाई का काम जो है वो मुमकिन तौर पे कहा जा सकता है कि तसल्ली बख्श जो है वो जारी है, लेकिन ये कचरा जो है यहाँ पर भी उठा के साइट पे लगाया जा रहा है, इसको फौरी तौर पे ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है। तरह तरह की चीजें जो है वो कचरे के अंदर से जो है वो देखा जा रहा है कि वो निकल रही है। ये शहरियों की गफलत है जो कचरा
नदी नालों में फेंकते हैं। शहरियों को चाहिए अपनी जिम्मेदारी भी वो एहसन तरीके से निभाएं, कचरा जो है वो कुंडियों की नजर करें, ना के नदी नालों में कचरा आसानी देखने के लिए जो है वो फेंकें। ये सूरत हाल जो कराची के तमाम नालों की हमने आपको दिखाई कि गुज्जर नाला और इसके अलावा महमूदाबाद नाले की क्या पोजीशन थी, इसके साथ साथ शहर की सड़कों में बारिश के पहले स्पेल के पहले ही रोज जो सूरत हाल रही, शहरी शदीद अजियत का शिकार रहे। इस तमाम सूरत हाल में वसीम अख्तर का मौके भी आपको आज के प्रोग्राम में हमने सुनाया। अवाम इस तमाम सूरत हाल में क्या मौकफ रखती है, अवाम किस हद तक अजियत का शिकार है, क्योंकि माजी की बारिशें अवाम जो है वो नहीं भूल पाई है। महकमा मौसमियात का क्या मौकफ था, 2 से 3 स्पेल जो है वो मुमकिन तौर पर कराची का रुख करेंगे जिसमें हैवी रेन मुतवक्के की जा रही है। अगर दारे इस तमाम तर सूरत हाल में हरकत में नजर नहीं आए तो शहर का हाल फिर माजी जैसा ना हो। डिफेंस क्लिफ्टन के जो शहरी थे उन्होंने भी अपील की है इंतजामिया से कि भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि माजी में जो अरबों रुपए का नुकसान उन्होंने उठाया है इस बार वो नुकसान उठाना नहीं चाहते। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।